क्वेश्चन द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56 इफ यू सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दिस नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द नंबर्स। जीपी के तीन संख्याओं का योगफल 56 है। यदि उन तीन संख्याओं में से क्रमशः 1, 7 और 21 घटाएं तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त होता है। फाइंड द नंबर्स, वे संख्याएं ज्ञात करना है। लेट द थ्री नंबर्स इन जीपी और ए ए आर एन आर ए आर स्क्वायर। एज पर क्वेश्चन सम ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल 56। ए प्लस आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। टेकिंग ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। नंबर 1, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दिस नंबर इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एज पर सेकेंड कंडीशन फर्स्ट टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ए माइनस 1, सेकेंड टर्म में 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया ए आर माइनस 7, थर्ड टर्म में 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया ए आर स्क्वायर माइनस 21 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी। देयरफॉर देयर कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस सेकेंड टर्म ए आर माइनस 7 ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7। ए वाले टर्म किधर ले आया माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर माइनस ए प्लस ए आर माइनस 21 प्लस 7 प्लस 7 माइनस 1 माइनस ए आर स्क्वायर ये दोनों मिल करके प्लस 2 ए आर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 8 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस 1। ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए इज इक्वल टू 8। सबका साइन चेंज हो जाएगा, ए कॉमन ले लिया आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 8। नंबर 2, डिवाइडिंग 1 बाय 2 दो इक्वेशन है, दोनों में से दो अननोन अननोन ए और आर हमें ज्ञात करना है। डिवाइडिंग 1 बाय 2 ए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 56 बाई 8 इज इक्वल टू 7। ए कैंसिल आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 7 7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 14 आर इसको इधर लाया माइनस आर इसको इधर लाया प्लस 7 माइनस 1 0 7 आर स्क्वायर 6 आर स्क्वायर माइनस 15 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 36। दो नंबर प्राप्त करना है, इनका प्रोडक्ट 36 आना चाहिए और अलजेब्रिक सम आना चाहिए माइनस 15। वे नंबर
माइनस 12 है और माइनस 3। इक्वेशन 1 बिकम्स 6r² इन दो भागों में स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, माइनस 12r माइनस 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टेकिंग 6r कॉमन r माइनस 2, टेकिंग माइनस 3 कॉमन r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, r माइनस 2 कॉमन 6r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूड, इफ r माइनस 2 इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू 2, इफ सेकंड टर्म 6r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू 3/6 1/2। टेकिंग r इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 इज a 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 56, a 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 56, a इज इक्वल टू 56/7 इज इक्वल टू 8। देन नंबर्स आर 8, a का वैल्यू 8, r का वैल्यू 2। टेकिंग r इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड वैल्यू, पुट इन 1 दिस इक्वेशन, a 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 56, a 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल 56, a इज इक्वल टू 56/1 इंटू 4/7 32। देन थ्री नंबर्स आर, इसमें पुट कर दिया ar स्क्वायर 32, 16 एंड 8 आंसर। क्वेश्चन, AJP consists of an even number of terms if the sum of all terms in 5 times the sum of terms occupying odd places, then find common ratio. Let number of terms is 2n, even number. Then sum of all terms s is equal to a plus ar plus ar square plus ar cube plus so on, last term ar, number of terms 2n minus 1, r s is equal to a r power 2n minus 1 upon r minus 1, s equal to a r power 2n minus 1 upon r minus 1, number 1, sum of terms occupying odd places. S1 is equal to first term, third term AR square plus fifth term AR power 4, and number of terms is n terms. N terms, even terms and number of terms of odd terms is equal to n. Total number of terms is 2n. This is in GP whose first term is a and common ratio is r square. First term common ratio r square power n minus 1 upon common ratio minus 1 r power 2n minus 1 upon r square minus 1
नंबर टू एज पर क्वेश्चन सम ऑफ ऑल टर्म्स इक्वल टू फाइव इन टू सम ऑफ टर्म्स को पाएंगे ऑड प्लेसेस एस इक्वल टू फाइव टाइम्स एस वन एस इज ए आर पावर टू एन माइनस वन आर माइनस वन ए आर पावर टू एन माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन ए आर पावर टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इजक्वल टू फाइव इंटू आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन आर स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन एज आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन ए आर पावर टू एन माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा ए कैंसिल ये दोनों कैंसिल आर माइनस वन कैंसिल आर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव आर इज इक्वल टू फोर आंसर कॉमन रेशियो इज इक्वल टू फोर क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56 द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म इज 112 इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी के पहले चार पदों का योगफल 56 है और अंतिम चार पदों का योगफल 112 रुपये है यदि उसका पहला पद 11 है तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है हियर फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए इज इक्वल टू 11 सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म इज इक्वल टू 56 ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 56 पुट ए इज इक्वल टू 11 11 प्लस डी 11 प्लस टू डी 11 प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 56 44 प्लस 6D इज इक्वल टू 56 6D इज इक्वल टू 56 माइनस 44 इज इक्वल टू 12 डी इज इक्वल टू 2 सम ऑफ लास्ट फोर टर्म इज 112 लास्ट फोर टर्म्स आर टी एन प्लस टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू प्लस टी एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 112 एन माइनस थ्री टर्म टी एन माइनस थ्री इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन इज नंबर ऑफ टर्म थ्री माइनस वन इंटू डी 11 प्लस एन माइनस फोर इंटू डी डी की वैल्यू टू 11 प्लस टू एन माइनस एट टू एन प्लस थ्री इक्वेशन वन बिकम्स टू एन प्लस थ्री प्लस इसमें कॉमन डिफरेंस टू एड करते गया टू एन प्लस थ्री प्लस टू प्लस टू एन प्लस थ्री प्लस टू प्लस टू प्लस टू एन प्लस थ्री प्लस टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू 112 एट एन प्लस 24 इज इक्वल टू 112 8n इज इक्वल टू 112 माइनस 24 इज इक्वल टू 88 एन इज इक्वल टू 88 अपॉन 8 इज इक्वल टू
11. Answer, number of terms is equal to 11.